अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हम शहदा की कब्रों तक गए थे और आज हम उससे अगला सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज हम अपना सफ़र दोबारा शुरू कर रहे हैं। काफ़ी दिन पहले हमने जो है ना अपना ये व्लॉग बनाया था। ये हमारा चौक है, यहाँ से हमने अपना व्लॉग पिछला शुरू किया था। दोस्तों, हमारा ये इलाका बहुत बच्चों की गाँव है, रोशन चट्टा गाँव हमारे बाई तरफ, और ये वाला गांव जो है इसका नाम मरल है। ये एक छोटा सा गांव है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, बड़ा जरखेज इलाका है ये। यहाँ से चारवा सेक्टर 16 किलोमीटर है, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा 16 किलोमीटर मजीद चारवा सेक्टर आएगा। इसके साथ ही आगे जो गांव है सईदे वाली है, इसी तरह रुड़की बाजवा है, इसी तरह दुलमा वाली है, धूप, और ये सारे गांव आपस में मिले हुए हैं। अभी हम यादगार शहादा F9FF पहुंच चुके हैं। अब हम बाइक से उतर चुके हैं और अब हम लोग इधर से अपना पैदल सफर जारी करेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक। तो आप एक्साइटेड हैं? यस। वकर? यस। चलो मुझे गाइस देखिए कितना प्यारा बनाया उन्होंने। रोशन चट्टा के बाद जो अगला जो गांव आता है उसका नाम है गडगोर। अभी गडगोर हम पहुंच जाएंगे 10 मिनट तक। ये धान की फसल है, इस वक्त इसको फल लग चुका है, निसर चुकी है, पंजाबी में इसको कहते हैं निसर चुकी है। गडगोर आने वाला है। बुर्ज खलीफा लग रहा है, बुर्ज खलीफा इससे कितना बड़ा है। ये हमें एक और एंट्रेंस मिली है इस सफर के दौरान, तीसरी एंट्रेंस, और आगे हमारा इस एंट्रेंस में एक कीकर का दरख्त और इसके साथ ये वाला दरख्त है, इसका नाम नहीं अभी मुझे आ रहा। ये कौन सा दरख्त है अहमद? है शरी? ये शरी क्या है? शरी का दरख्त, ये दोनों शरी का दरख्त है और ये कीकर है। कीकर का दरख्त इतना घना नहीं होता जिसकी वजह से आप ऊपर से आसमान आपको नजर आ रहा है। कीकर का इतना घना दरख्त नहीं होता। ये हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है गडगोर का, जिसके ऊपर पेंसिल वाली गाड़ी है, और आप यहाँ के रिजल्ट देख सकते हैं। स्टेट बॉल पूल, चलो हेलो बिना लीजिए जल्दी देखिए घूम के। ये हमारा फ्लोरा किंगरा रोड, इस पर हमारा सफर जारी है। 40 मिनट पैदल सफर कर लिया, जाना पैदल ही है भाई, पैदल ही जाना है। तो रक्षा रुक्षा नहीं करवाना, ना किसी बाइक पे बैठना है। जहाँ तक हम चल सके हम जाएंगे। मुझे रक्षा का पता है कहाँ पर है, पेट्रोल पंप की देख रहा। धूप तेज हो गई है, सफर हमारा जारी है, धूप की वजह से थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो वकर आपका भी डर कर रहा है। हाँ भूख से यार, इस तरह की वीडियो तो काटनी पड़ेगी। हम थक गए हैं, दोबारा बताओ बात। अगर हम लोग भाग गए हों और थक गए हों ना, अगर पानी पियेंगे तो तेज नहीं भागा रहेगा, भाग नहीं पाएंगे, पेट दर्द करने लग जाएगा। बकर की बात ठीक है, अगर बार बार पानी पियेंगे ना तो फिर हमसे फिर जो है ना वो चला नहीं जाएगा सही। हाँ मैं भी मालिश करवाऊंगा। ये क्या पागल बन रहे हैं, देखो मैं इनके कितनी जल्दी कितने करीब आ गया, दूर चला गया। जूते क्यों उतार रहे हैं, जूते
देखिए बोर्ड जिसको एम दिखाना है वो देखिए ट्रैक्टर। इस कहानी में बता एक को वल्डी गया पीछे ये जहर कौन सा गड़गोड और साथ ब्राह्मण पड़ा ये ब्राह्मणपुर है नेला बैठ के और पी लो और अब हम बाकी का रास्ता ऋषिकेश जाएंगे और आगे वाले हम आगे पहुंच के उधर से एक और जाना था। किस पे जाना था? अगर बैठ गए हम लोग ये भी पी लें सरप्राइज। क्या वो पीछे का और अक्षय आ रहा है वो किरला वो पीछे है पूरा एक घंटा हो गया हमें चलते हुए और हमने कोई 2.5 किलोमीटर सफर किया। चार किलोमीटर बकर साहब कह रहे हैं हमने सफर कर लिया। एब्सोल्युटली नॉट। आप कहो तो हम मान लें। आप कहें हम मान लें। ये अमेरिका वालों ने खत भेजा था इसको इमरान खान को फिर के पाकिस्तान हमारी गुलाम थी फिर इमरान खान यही कहा था इसने दिल्ली से गया। अगर आप बताएं आपका सफर कैसा हो रहा है? बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसे जो है पीछे वाली गाड़ी के अंदर की छत के ऊपर बैठ के चल जा। तो बकर हमने कहा था हम पैदल जाएंगे तो फिर बकर आपने तो कहा था हम पैदल चलेंगे तो फिर पैदल तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। पैदल तो जाहिर है फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। तो फिर पहले क्यों रिक्शे पे बैठे थे? वो तो मैंने कहा चले थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो फिर अभी भी सोच रही हूं थोड़ी देर बैठ जाते हैं। देखो आज हमारा पैदल सफर तो पूरा नहीं होना। बच्चों पैदल जाएंगे या रिक्शे पे? पैदल हम आए थे पैदल गए तो मार के जाएंगे हैं पैदल गए तो मार के पीछे देखो लो टाइम से पैदल गए तो पीछे आ गया हैं पैदल गए तो उस पे भी बैठ गए। बात तो ठीक है क्यों है बकर हाँ शर अगर आता हमारे साथ तो नहीं था ना पूरी जिंदगी सही बात है क्योंकि इतना ज्यादा सरकारी है वो भी कुछ पैदल पैदल चल सकता था वो इतना जितना हमें चले हैं। लेकिन एक बात है उससे क्या था रिक्शा कराने चलो जी तभी हम दोबारा रिक्शे के अंदर बैठ गए हैं क्योंकि हमारी जो टीम है वो थक चुकी है। अभी हम चुबारे पहुंच चुके हैं। गाइस आज का हमने जो सफर है वो यहाँ तक मुकम्मल किया है। अब यहाँ से अब हम दोबारा वापस घर जा रहे हैं। आज का हमारा पैदल जो सफर था वो चुबारे तक था तो मज़ीद अब हम आगे सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आज हम पैदल जो है वो बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते थे। तो हमने सोचा कि हम कल जो है वो घर से बाइक्स पे अपना सफ़र मुकम्मल करेंगे क्योंकि एक दिन में बॉर्डर पर जाना मुश्किल है। बच्चों ने स्कूल से आना होता है और उसके बाद भी टाइम कम होता है। तो कल फिर हाशिम कल क्या करना है? बाइक पर कल बाइक पर अब कर
कल हम बाइक पर जाएंगे बॉर्डर। किस टाइम?